भ्रष्टाचार काले धन की संख्या बढ़ रही है, तो उसमें एक बहुत बड़ा और कंट्रोल होगा, रुकावट होगी। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है कि हर दिन आपको कोई एक नया निर्णय लेना पड़ रहा है, तो स्वाभाविक है कुछ चीजें अनुभव के आधार पर भी आती है। जब काम करने लगते हैं तो छोटा मोटा अनुभव आते हैं, तो उसमें सुधार होना जरूरी है। ऐसे ही काम की जो प्रक्रिया चल रही है उसके अंदर कुछ अनुभव आ रहा है, तो उसमें समय अनुसार सुधार होते जा रहा है, पर कुल मिला के एक बहुत बड़ा निर्णय जिससे राष्ट्र सुरक्षित होगा। पहुँचाएंगे नहीं, पहुँचाई है। मैंने देवास के व्यापारी वर्ग मेरे पास आया था, उनकी मांग थी कि हमारी लिमिट 5 लाख बढ़ा दी जाए। वित्त मंत्री जी को मैंने उसी समय पत्र लिखकर और अवगत किया, उनको पत्र भी लिखा और ट्वीट भी किया। फिर बैंकों में लाइनें लग रही थी, हमारे गरीब वर्ग के लोगों के लाइनें ज़्यादा थी, तो हमने विचार करा कि उनको व्यवस्थाएँ और थोड़ी सी उपलब्ध हो जाए, चाय पानी की व्यवस्था हो जाए, तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित भी किया। और मेरे आगर में तो बहुत अच्छा और मतलब वो देखने को मिला। देवास में, शाजापुर में हमारे स्वयं विधायक जी भी उस ओर लगे। कल भी हम पूरे दिन देवास नगर के अंदर सारी बैंकों में जाएंगे, वहाँ हमारे सारे नागरिक बंधुओं से मिलेंगे। अगर कोई असुविधाएं आ रही होगी उसका भी हम पूर्ण रूप से निराकरण कराने का काम करेंगे। पर हम सबको मिलके और इस नोटबंदी के जो सरकार द्वारा निर्णय लिया है इसका स्वागत करना चाहिए। आम आदमी, गरीब से गरीब आदमी से आप बात कर लो तो कुल मिला के वो बहुत प्रसन्न है। मीडिया जगत को देख लो आप, विश्व स्तरीय मीडिया भी भारत सरकार के इस निर्णय को बहुत अच्छी दृष्टिकोण से देख रहा है। कई प्रतिक्रिया होती है, कुछ विपक्षी राजनेताओं द्वारा इसके बारे में गलत भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, तो हमारी बजाय जनता ने उनको नकार दिया। दिल्ली में केजरीवाल को दौड़ लगाना पड़ी, ममता बनर्जी जैसी राष्ट्र की बड़ी लीडर है विपक्ष दल की, उनको भी और अपमानित महसूस करना पड़ा। तो कुल मिला के मैं ऐसा मानता हूँ कि गरीब वर्ग इसमें बहुत प्रसन्न हुआ है। केवल तकलीफ है तो उन लोगों को है जिनके गरीबों का और पैसा अपने घरों के तिजोरों में और बिस्तरों में दबा के रखा था, उनको कष्ट जरूर हुआ होगा और उनको होना भी चाहिए, क्योंकि उनको उन बिस्तरों पर सोने की आदत पड़ गई थी, वो बंद हो जाएगी।